नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की सुबह 4:19 तक रहेगी। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी अखंड द्वादशी के नाम से जानी जाती है। आज दोपहर 3:24 तक सिद्ध योग रहेगा, उसके बाद साध्य योग लग जाएगा। साथ ही आज सुबह 10:35 तक भरणी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाएगा जो कि कल दोपहर 1:19 तक रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। क्या है कोरोना का भविष्य, कब पहुंचेगी हम तक कोरोना की वैक्सीन, और तब तक कैसे करें मुकाबला कोरोना से, आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जय योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 दिसंबर की दोपहर 1:18 से अगली सुबह 6:20 तक रहेगा, और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 दिसंबर को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:35 से रात 1:48 तक और भोर 4:08 से कल सुबह 7:13 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 27 दिसंबर की सुबह 7:13 से 10:13 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:35 से दोपहर पहले 11:44 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 31 दिसंबर की सुबह 7:14 से दोपहर पहले 11:24 तक रहेगा। आज सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 10:35 से दोपहर 2:44 तक और शाम 4:40 से 5:18 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 27 दिसंबर की दोपहर 1:19 से शाम 4:36 तक और शाम 6:50 से रात 1:44 तक रहेगा। आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 दिसंबर की रात 8:59 से 3:52 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस अशुभ समय में कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। आज ये अशुभ समय 27 दिसंबर की शाम 6:48 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:47 से दोपहर पहले 11:05 तक। मुंबई सुबह 9:55 से दोपहर पहले 11:17 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:51 से दोपहर पहले 11:07 तक। लखनऊ सुबह 9:30 से सुबह 10:49 तक। भोपाल सुबह 9:40 से दोपहर पहले 11:01 तक।
कोलकाता सुबह 8:56 से 10:17 तक, अहमदाबाद सुबह 9:59 से दोपहर पहले 11:20 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा सुबह 9:19 से 10:44 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज बिजनेस में रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। आपको किसी विशेष काम में दूसरों की मदद भी मिलेगी, साथ ही परिवार के लोग आपके हर फैसले के साथ होंगे। जीवन साथी के साथ भी बेहतर तालमेल बना रहेगा, लेकिन ऑफिस में माहौल मिला जुला रहेगा। सेहत में भी आज कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपके किसी सहकर्मी के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपके अच्छे व्यवहार से आसपास के लोग खुश रहेंगे, साथ ही आपकी अच्छी छवि निखर कर लोगों के सामने आएगी। समाज में आपको उचित आदर सम्मान मिलेगा। ऑफिस का काम समय पर पूरा हो जाएगा। किसी दोस्त की मदद से आपके कुछ निजी काम भी पूरे होने की संभावना है। आपको आर्थिक रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। विद्या के क्षेत्र में आप आगे रहेंगे। भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज परिवार वालों के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जाएंगे। आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अचानक कोई मददगार आपका अच्छा दोस्त बन सकता है। आर्थिक रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके काम में नयापन आएगा। अपनों से नजदीकियां बढ़ाने का अवसर मिलेगा। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आपके कामकाज की क्षमता बढ़ेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने के योग हैं। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपको थोड़ी मेहनत से ही बड़ा मुनाफा होगा। आप जीवन साथी के साथ बाहर डिनर का प्लान बनाएंगे। आप दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी। बच्चे दोस्तों के साथ किसी पिकनिक स्पॉट पर जा सकते हैं। आपको करियर से जुड़ा कोई सुनहरा मौका मिलेगा। आपके कामकाज में बदलाव होने के योग बन रहे हैं। इस राशि के जो छात्र विदेश में जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके सपने साकार होंगे। आपको अपने किसी काम में परिवार का सहयोग मिलेगा। आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, जिससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आप किसी पारिवारिक विषय पर अपने घर के बड़ों से चर्चा करेंगे। माताएं अपने बच्चों को कहीं बाहर पार्क में घुमाने भी ले जाएंगी। अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न होंगे। जीवन साथी की कोई इच्छा पूरी करेंगे। आपका जीवन साथी आपसे प्रसन्न होगा। धन में वृद्धि होगी। बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेंगे। ऑफिस में आपको कोई नया काम मिल सकता है, जिसमें आप अपनी मेहनत से सफल होंगे। परिवार से जुड़े किसी काम के लिए थोड़ी भागदौड़ हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कोर्ट संबंधी किसी काम के लिए आपको अपने सीनियर्स की मदद मिलेगी। आज आप किसी दोस्त के घर जा सकते हैं। धन संपत्ति के मामलों में आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। सेहत के लिहाज से सब अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात दिन को और बेहतर बना देगी। जीवन में तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी। अपने कुछ खास काम निपटाने के लिए आपको अपने रूटीन में बदलाव करना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी हिल स्टेशन पर जाने की प्लानिंग बना सकते हैं। अगर आप किसी तरह का निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले उस विषय से जुड़े लोगों से सलाह करना उचित होगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको बिजनेस के क्षेत्र में कुछ नए लोगों से मदद मिलेगी। आपका सामाजिक जीवन भी आज हर तरह से बेहतर बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको काम के लिए वाहवाही मिलेगी। आर्थिक स्थिति में प्रगति होगी। आप खुद को सही साबित करने में सफल रहेंगे। किसी काम को पूरा करने के लिए आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आएगा।
अगर आप कुछ दिनों से अपने पेट दर्द की समस्या से परेशान हैं तो आज आपको उससे छुटकारा मिलेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज जीवन साथी के साथ आपको बातचीत में थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। धैर्य रखने पर आपके रिश्ते मजबूत होंगे और मधुर भी होंगे। नियमित योग करने से स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज कुछ कामों में आपको अधिक समय लग सकता है, लेकिन काम में सफलता जरूर मिलेगी। किसी की राय आज आपके लिए कारगर साबित होगी। दूसरों के सामने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए कोई नया प्लान आपके दिमाग में आएगा। कुल मिलाकर आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है, आपका दिन बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों के लिए नौकरी पेशा, मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। आगे चलकर यह प्रोजेक्ट आपको फायदा दिलाएगा। इस राशि के साइंस स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। मेहनत के बल पर ही आपको अपने करियर में सफलता हासिल होगी। ऑफिस में एक साथ कई तरह के काम करने से आपको तनाव महसूस होगा। कुछ कार्यों में ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति से आपको बचना चाहिए। किसी से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपको तरक्की के कुछ नए साधन मिलेंगे। आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपका मूड काफी अच्छा रहेगा। घर पर छोटी सी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। बिजनेस में सब कुछ सामान्य रूप से बना रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में एक बार फिर से ताजगी भरने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आप कुछ नई उमंगों के साथ अपना कोई खास काम शुरू कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। आपके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होगी, काम में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज बचपन के किसी दोस्त का फोन आएगा। बात के दौरान कुछ पुरानी यादें ताजा होंगी। आपके अधूरे काम भी आज पूरे हो जाएंगे। बिजनेस में नए एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। संपत्ति बढ़ाने की कोई योजना सफल रहेगी। आज आपकी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल रहेगा। इस राशि के छात्र कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको माता पिता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी जरूरतमंद को अनाज दान करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी कन्या को कुछ गिफ्ट दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है जिससे आप पूरा दिन बहुत खुश बने रहेंगे। मूलांक 2, ऑफिस में कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं तो आज के दिन आप कर सकते हैं। मूलांक 3, अगर आप किसी काम के प्रति कोई नई परियोजना बना रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मूलांक 4, कपड़े के व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। मूलांक 5, परिवार की किसी समस्या को सुलझाने के लिए आपको थोड़ी शांति बरतनी चाहिए। मूलांक 6, आज आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, साथ ही आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। मूलांक 7, कारोबारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, अचानक आपको 2 गुना मुनाफा होगा। मूलांक 8, जीवन साथी की उपलब्धियों की सराहना करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 9, आज का दिन उत्तम रहेगा, आपको अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम मिलेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर की तिजोरी के बारे में। तिजोरी हमारे लिए बड़ी खास होती है और इसे रखने की जगह भी खास और बड़ी सोच समझ कर तय करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप चाहे कितना ही पैसा कमा लें लेकिन फिर भी आपकी तिजोरी में बरकत नहीं होती। इस परेशानी से बचने के लिए तिजोरी को सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है। तिजोरी को या तो दक्षिण दिशा की तरफ दीवार से सटाकर रखें जिससे इसका मुंह उत्तर की ओर खुले, या फिर पश्चिम दिशा में रखें जिससे यह पूर्व की ओर खुलेगी। शास्त्रों के अनुसार उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर और पूर्व दिशा में इंद्रदेव का वर्चस्व माना जाता है। इन दोनों दिशाओं में तिजोरी का मुंह खुलने से पैसों की बढ़ोतरी होगी और परिवार में भी खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि तिजोरी का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दिशा यम की दिशा है। इस दिशा में तिजोरी का मुंह खुलना मतलब परेशानियों को बुलावा देना है।
और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार का दिन है। द्वादशी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल की सुबह 4:19 तक रहेगी। मार्गशीर शुक्ल पक्ष की द्वादशी अखंड द्वादशी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों में इस द्वादशी का बड़ा ही महत्व है। आज अखंड द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। वैसे तो पूरा मार्गशीर श्री भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा के लिए प्रशस्त है। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में स्वयं भगवान ने इस बारे में कहा है, बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतु राम कुसुमाकरः, अर्थात गायन करने के योग्य श्रुतियों में बृहत साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। अतः स्पष्ट है कि पूरे मार्गशीर्ष में भगवान कृष्ण की पूजा करना बड़ा ही फलदायी है, लेकिन कुछ विशेष तिथियों में भगवान की पूजा करना और भी पुण्यकारी होता है। बताया गया है कि एकादशी के दिन व्रत करके फिर द्वादशी को 16 उपचारों के साथ भगवान की पूजा करनी चाहिए, और जो व्यक्ति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी से भगवान की पूजा शुरू करके वर्ष पर्यंत पूजा करता है उसे जीवन में हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है, साथ ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो ये थी अखंड द्वादशी की चर्चा, और अब बात करते हैं आज के योग और नक्षत्र की बात। आज दोपहर 3:24 तक सिद्ध योग रहेगा, उसके बाद साध्य योग लग जाएगा, और एक होता है सिद्ध योग, दूसरा है साध्य योग। सिद्ध योग और सिद्ध योग, कोई कार्य सीखने के लिए सोच विचार कर रहे हैं तो इस योग में शुरुआत करेंगे तो कार्य सिद्ध होगा। यह योग गुरु से मंत्र लेकर दीक्षा लेकर मंत्र जपने के लिए बड़ा ही उत्तम कार्य सिद्ध होता है। और जब साध्य योग की बात करें तो यदि आपको किसी से विद्या या कोई विधि सीखनी है तो ये योग बड़ा उत्तम है। इस योग में कार्य सीखने से कार्य सधता है, यानी काम करने में खूब मन लगता है और पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। साथ ही आज सुबह 10:35 तक भरणी नक्षत्र रहेगा, उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाएगा जो कि कल दोपहर 1:19 तक रहेगा। भरणी दूसरा नक्षत्र है, भरणी का पहला अश्विनी दूसरा भरणी। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना, इसका प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है, जबकि इसका संबंध आंवले के पेड़ से बताया गया है। कृतिका तीसरा नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव व्यक्ति के अंदर विवेक को जागृत करते हैं और उसके मनोबल को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कृतिका नक्षत्र के देवता अग्निदेव हैं, अतः कृतिका नक्षत्र के दौरान अग्नि से संबंधित कार्य करना फलदायी साबित होता है। आपको ये भी बता दूं कि कृतिका नक्षत्र के जातक तेजस्वी, ईमानदार, प्रेमी स्वभाव वाले, दयालु, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले और कला विज्ञान में कुशल होते हैं। इसके अलावा इस नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है उन लोगों के लिए आज का दिन विशेष है। आज के दिन आप गूलर की पूजा करके विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं। अतः आज आपको आज के मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा कृतिका नक्षत्र में जन्मे लोगों को गूलर की पूजा के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप गूलर के पेड़ को फल या उससे जुड़ी किसी अन्य चीज़ को कोई नुकसान न पहुंचाए और न ही उसका सेवन करें। तो ये थी सिद्ध योग, साध्य योग और कृतिका नक्षत्र की चर्चा, और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं। अगर आप अपने काम की धीमी गति को लेकर परेशान हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद भगवत गीता के प्रति को छूकर प्रणाम करने के बाद ही अपना काम शुरू करें। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाइए, आज के दिन ऐसा करने से आपके काम की गति तेज होने लगेगी। अगर आप अपने परिवार को सुख समृद्धि से भरे रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको परिवार के साथ मिलकर दूध चावल की खीर से 108 आहुतियां देनी चाहिए, और हर बार हवन की आहुति देते समय ओम नमो भगवते नारायणाय बोलना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपके मन में किसी कार्य को लेकर बहुत दिनों से दुविधा बनी हुई है तो आज के दिन इस खास अवसर पर आपको गीता के 6वें अध्याय आत्मसंयम योग का पाठ अवश्य करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके मन की दुविधा दूर होगी और आपका काम सफल होगा। अगर आप अपने जीवन से बुराइयों को दूर करना चाहते हैं और खूब तरक्की करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको गीता को छूकर 11 बार प्रणाम करना चाहिए और श्री कृष्ण भगवान को केसर वाली मिठाई का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से बुराइयां दूर होंगी और आप खूब तरक्की करेंगे।
अगर आपका कोई खास दोस्त है और आप चाहते हैं कि जीवन में उसका साथ हमेशा बना रहे तो और आपकी दोस्ती को किसी की नज़र न लगे तो आज के दिन आपको श्री कृष्ण भगवान की मिट्टी से बनी मूर्ति अपने मित्र को भेंट के रूप में देनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपके दोस्त का साथ बना रहेगा और आपकी दोस्ती को किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर आप अपनी सोच को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आसपास के माहौल को बेहतर रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवद गीता की 2 प्रतियां लाकर 1 प्रति मंदिर में भेंट करनी चाहिए और दूसरी प्रति को अपने घर में स्थापित करना चाहिए। साथ ही गीता के कुछ पन्नों को जरूर पढ़ना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सोच मजबूत होगी और आपके आसपास का माहौल बेहतर बनेगा। अगर आप अपने बच्चों का बिजनेस फलते फूलते देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद लेकर 11 ब्राह्मणों को वैजयंती की माला भेंट करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चों का बिजनेस खूब फले फूलेगा। और अगर आप अपने जीवन की मिठास को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद श्री कृष्ण भगवान के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन्हें मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद बची हुई मिश्री को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दीजिए और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद जरूर ग्रहण करें। अगर आप ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। साथ ही संभव हो तो उन्हें वस्त्र भेंट करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप ज्ञान के क्षेत्र में खूब ऊंचे उठेंगे और दूसरे लोग आपके ज्ञान का लोहा मानेंगे। अगर आप अपने परिवार में हो रहे किसी मांगलिक कार्य को सफल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद श्री कृष्ण भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और किसी ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। साथ ही दक्षिणा स्वरूप उन्हें कुछ भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में मांगलिक कार्य जरूर सफल होंगे। अगर आप अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको श्री कृष्ण भगवान की बंसी बजाते हुए तस्वीर या मूर्ति की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और भोग के रूप में भगवान को नारियल का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन आपको 2 बांसुरी लेकर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और उन पर श्री कृष्ण के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है क्लीं हृषिकेशाय नमः। देखो क्लीं काम बीज है, कामनाओं को पूरा करता है। क्लीं हृषिकेशाय नमः। इस प्रकार मंत्र जप के बाद दोनों बांसुरी को एक लाल धागे की सहायता से आपस में बांध दें और अपने कमरे में बैठ के सामने की तरफ पूर्व दिशा में लगा दें ताकि रोज आपको उसके दर्शन हो सके। ऐसा करने से आपको जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा मार्षी शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शनिवार का दिन और उसके साथ ही इसको अखंड द्वादशी कहते हैं। इसके अलावा आज सिद्ध योग, फिर साध योग और भरणी नक्षत्र की, और इस कॉम्बिनेशन में क्या उपाय करने चाहिए और कौन कौन से उपाय करके कौन कौन से फायदे उठाए जा सकते हैं, इन सब की चर्चा हमने की। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, बच्चों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएंगे। बी, अविवाहितों के लिए दिन बेहतर रहेगा, आपके लिए शादी के बेहतरीन रिश्ते आएंगे। सी, किसी सामाजिक समारोह में जा सकते हैं, वहाँ कोई बचपन का मित्र मिल सकता है। डी, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव होगा, प्रेम पूर्वक बात करने से सब कुछ अच्छा होगा। ई, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है, उससे मिलकर आपको जाहिर है बहुत अच्छा महसूस होगा। एफ, व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा, अचानक आपके व्यापार में 2 गुना मुनाफा होगा। जी, किसी रिश्तेदार के घर पर जाने का प्लान बनाएंगे जिससे बच्चे बहुत खुश होंगे। एच, ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा होने से बॉस आपको इंसेंटिव देंगे जिससे आप पूरा दिन खुश बने रहेंगे। आई, दैनिक कार्य में काफ़ी गति बढ़ेगी, आपके महत्वपूर्ण कार्य सभी संपूर्ण होंगे। जे, लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा।
किसी बेहतरीन जगह पर घूमने जाएंगे। के प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन अच्छा है, किसी प्रॉपर्टी से बड़ा मुनाफा होगा। एल पैसों के मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए और उधार के लेन देन से बचना चाहिए। एम बिजनेसमैन के लिए दिन अच्छा रहेगा, कोई बिजनेस डील फाइनल होगी। एन आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे जिससे आप अपनी सभी तकलीफों का डट कर सामना करेंगे। ओ घर के लिए नया फर्नीचर खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। पी आर्थिक मामलों में मनचाही सफलता मिलेगी, किसी शुभ कार्य में आपके पैसे खर्च होंगे। क्यू परिवार के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, घर के लिए कुछ अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। आर घर में नया सदस्य शामिल होगा, उसके आने से घर में खुशी का माहौल बनेगा। एस आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, छोटे मोटे कामों से काफ़ी धन लाभ हो सकता है। टी परिवार में संतुलन बना रहेगा, आपके भी असमंजस की भावना दूर होगी। यू धार्मिक पुस्तक पढ़ने में आपका मन लगेगा, शाम को किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएंगे। वी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किसी अच्छे मुहूर्त पर शुरू करें। डब्ल्यू काफ़ी दिनों से रोका हुआ महत्वपूर्ण काम पूरा होगा जिससे आपका मन बहुत खुश होगा। जीवन साथी एक्स जीवन साथी के सहयोग से व्यापार में बढ़ोतरी होगी और आपको आगे बढ़ने के नए मौके मिलेंगे। वाई फैमिली के साथ कोई बेहतरीन मूवी देखेंगे जिससे आपके बीच मधुरता बढ़ेगी। जेड कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। यहाँ भगवान गणेश का एक प्राचीन मंदिर स्थापित है। इस मंदिर को उच्ची पिल्यार गणपति मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को लेकर दो कथाएं प्रचलित हैं। पहली के अनुसार यहाँ भगवान गणेश भगवान रंगनाथ की मूर्ति भूमि पर रखने से रावण उनसे क्रोधित हो गया था और उन पर रावण ने प्रहार किया था। दूसरी कथा के अनुसार भगवान गणेश से विभीषण क्रोधित हो गए थे और विभीषण ने उन पर प्रहार किया था। कहा जाता है कि गणेश जी की मूर्ति पर प्रहार का निशान आज भी देखा जा सकता है। ये मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जहां तक पहुंचने के लिए लगभग 400 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। लोग दूर दूर से भगवान गणेश के इस स्वरूप के दर्शन करने पहुँचते हैं, तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 26 दिसंबर को महर्षि शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि में पुतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्वादशी तिथि आज भोर 4:19 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 6:21 तक रहेगी। त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपके संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः आज भोर 4:19 तक आपको पुतिका यानी पोई के साग का सेवन अवॉइड करना चाहिए, जबकि उसके बाद कल सुबह 6:21 तक आपको बैंगन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल की शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रिंग 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञा पयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हनुमान चालीसा का पाठ करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।